अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ कंकड़खेड़ा क्षेत्र में एक युवक को चाकू से बुरी तरह गोदकर मार डाला गया। युवक को दो दिन से लगातार भुगत लेने की धमकियां मिल रही थी। आज शाम ऐलानिया धमकी के साथ युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। शव पर जगह जगह गोदने के कई गहरे निशान हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि युवक को कितनी बेरहमी से मारा गया है। हत्या की यह वारदात शोभापुर में शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे हुई। मारे गए युवक का नाम सुधीर उप सिद्धु है। वह प्रगतिशील समाज पार्टी से भी जुड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्ष दर्शी ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। वो सिद्धू आया घर पे, उससे पहले उसके सास ससुर जिसने मर्डर किया और वो और उसकी वाइफ चारों घर पे ही थे, मतलब सिद्धू घर के घर पे ही आए और आकर के सिद्धू के जैसा घर पहुंचा, वो सीधे डायरेक्ट उस पर चिपट गए और जैसा कमलदीप गया सीधा घर वापसी, जैसा लड़ाई झगड़ा होने लगा उसी के चक्कर में कमलदीप आया सीधा घर से और आते ही सीधा छुरा घुसना शुरू कर दिया उसका। कितने लोग थे उस टाइम? ये 5 जने थे। वारदात किस टाइम की और कहां की है? 5:30 बजे की। वहीं एक अन्य संदीप ने यह बताया। मामला ये था, ये जो लड़का है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया यूथ ब्रिगेड का कार्यकर्ता है, जिला कार्यकर्ता है। आज शाम 5 बजे ये अपने काम पे से आया था, तो इसी के चचेरे भाई जो है, क्या नाम है उनका, कमलदीप ने अभी 4 दिन पहले उसके लड़के को इनके भाई ने सिद्धू ने कुछ कह दिया था मतखोज, तो उसी विवाद में उसका चाकू से मर्डर करा गया, जिसमें कि कई लोग उपस्थित रहे मर्डर करने में, जैसे कि कमलदीप के सास ससुर, उसकी बहू और उसका चाचा भी जितेंद्र, वो सब साथ रहे और बड़ी ही दर्दनाक तरीके से चाकू के साथ बड़ा मतलब बुरी तरीके से उस लड़के को मर्डर करा गया। क्या नाम था इनका? सुधीर उर्फ सिद्धू। मौके पर सूचना पाकर पहुंचे प्रगतिशील समाज पार्टी के नेता शैंकी वर्मा ने यह जानकारी दी। मेरा नाम शैंकी वर्मा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का शोभापुर में शाम को 6 बजे मर्डर हुआ है। यदि पुलिस इसके अंदर जो आरोपी लोग हैं उनकी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं करेगी तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी तमाम गठबंधन के सहयोगियों के साथ थाने पर धरना देगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।